हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको कॉर्न मसाला की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने दो भुट्टे लिए हैं जिन्हें मैं पीसेस में कट करूँगी। पहले मैं इसका साइड का पार्ट निकाल दूँगी, फिर उसे आप चाहे तो बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं, छोटे भी रख सकते हैं। इस तरह मैं टुकड़ों में कट करूँगी। मैंने कॉर्न के पीसेस कट करके उसे कुकर में डाल दिया है। अब मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और उसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं कुकर बंद करके इसे दो सीटी लगाऊंगी और दो सीटी लगाने के बाद, ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। मैंने भुट्टे को बॉईल कर लिया है और उसे छानी में निकाल दिया है ताकि उसका पानी एकदम निकल जाए। अभी हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, 1 चम्मच। अब मैं उसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। अब मैं उसमें थोड़े मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर। तो गैस को इस समय मसाले डालने टाइम मैंने स्लो ही रखा है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने बॉईल करने टाइम भी सॉल्ट डाला था। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा नमक। इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं उसमें भुट्टे के पीसेस डालूंगी। और उसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि मसाला सबके ऊपर कोट हो जाए। अब मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी। और उसके ऊपर धनिया डालूंगी और उसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैंने गैस को थोड़ा सा तेज कर दिया है। मैंने कॉर्न को मसालों में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं उसमें आधे नींबू का रस डाल दूंगी और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। फिर हमारा मसाला कॉर्न रेडी हो गया। हमारा मसाला कॉर्न खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।